स्वामी जी और रामाकृष्ण मिशन ब्रांच जम्मू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ के बोल सकूँ। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था तो प्रेपरेशन के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई मुझे मेंटर मिले या कोई भी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुका है मैं उनको सुन पाऊँ कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्होंने कैसे तैयारी की है, उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। सो जब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी और मैंने कैसे ये चीज़ें की, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो मैं चाहता था कि जब मैं तैयारी कर रहा था मेरी कोई हेल्प करे। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूँ, ऐसी चीज़ें कि आप ये गलतियाँ ना करो जो मैंने की हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ। सो मैं ज़्यादा समय लूँगा वैसे आपका। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर ना कुछ मिथ है कि हर कोई ना गलती करता है कुछ ना कुछ, या कुछ चीज़ें सोचते हैं। मैं भी सोचता था, तो मैं चाहता हूँ वो मिथ मैं थोड़े ब्रेक करना चाहता हूँ। सबसे पहला मिथ ये है कि हर कोई, मतलब मैक्सिमम लोग मानते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज क्रैक करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग लेने के लिए। आई थिंक नॉर्मली आपने भी सुना होगा कि दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली हब है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। बट मैंने जम्मू रह के तैयारी की है, यहीं रह के तैयारी की है। हालांकि हमारे बैच में बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली नहीं गए थे। सो आई थिंक जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाओ और वहां जाके ही क्रैक करो, आप जम्मू रह के भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप जा सकते हो कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर कोई नहीं जा सकता तो माइंड में वो धारणा नहीं बनानी है कि मैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगता था, क्योंकि मेरे जो साथ में तैयारी कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैक्सिमम बड़े सारे दिल्ली चले गए और वहां जाके वो पढ़ रहे थे, मैं यहीं रह के पढ़ रहा था। तो मुझे फील होता था कि शायद काश मैं भी चला जाता, वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, ये होगा वो होगा। बट हालांकि अच्छा पढ़ाते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वहीं जाके ही पढ़ना है, यहाँ रह के आप मजे से पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको पता है अभी इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज आपके फोन में अवेलेबल है, अगर आप फोन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हो। गलत करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, पर अच्छे से करो, हर कुछ घर पे बैठ के हो सकती है, हर चीज घर पे बैठे हो सकती है। सेकंड थिंग कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए टॉपर होना जरूरी नहीं है स्कूल में। मैं टॉपर नहीं था, मैं मीडियोकर था, मेरे 70s में मार्क्स आते थे, मेरे 12th में 75% थे, ग्रेजुएशन में 77% मार्क्स थे। तो मैं कोई बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था जो मतलब 95 से ज़्यादा ही लेता है। तो मुझे ये लगता था जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि हमारी क्लास में जो भी तैयारी इसकी स्टार्ट कर रहा था वो सारे टॉपर थे, जो मतलब बचपन से इंटेलिजेंट, सारे बोलते थे IAS बनेगा, ये KAS बनेगा। तो हम ऐसे ही क्लास में पीछे बैठने वाले, इतना अच्छा पढ़ना नहीं। बट अगर कोई करना चाहे, उसमें विल पावर है, तो वो कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये मुझे भी लगता था थोड़ी देर पहले कि नहीं होगा मेरा, बट अभी मुझे लगता है अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हो और आप ईमानदार हो अपनी प्रेपरेशन के साथ, आप मजे से कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और आपको टॉपर होने की कोई जरूरत नहीं है, मीडियोकर्स कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो मैंने काफी इंटरव्यूज में देखा है, बड़े कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं टॉपर्स हैं, उनको पूछते हैं कि कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो बड़े सिलेक्टेड कैंडिडेट या ऑफिसर्स बोलते हैं, नहीं मैं 12 घंटे पढ़ता था, मैं 14 घंटे पढ़ता था, मैं इतनी देर पढ़ता था। सो मैं अगर आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है, मैं अपने पर्सनली बताऊं, मैं 5-6 घंटे पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा, ना मैं पढ़ पाता हूं। सो मेरा मैक्सिमम रहा, एग्जाम्स में पढ़ते हैं ज़्यादा, बट नॉर्मल रूटीन होती है जो आपकी। सो पढ़ो अच्छे से। एक्चुअली जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, दवाई होती है ना, कोई भी मेडिसिन है, पैरासीटामोल हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो असली में अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है, बाकी चीज़ें ऐसी डली होती हैं उसमें। तो जो मैं 5-6 घंटे बोल रहा हूँ वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे बैठे लेकिन व्हाट्सएप चलाई, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाई और हो गए 6 घंटे, चलो जी मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हमेशा सिलेबस देख के करो, टाइम देख के नहीं करो। एक टारगेट रखो अपना कि इतना मेरा टारगेट है और मुझे आज इतना सिलेबस कवर करना है, तो आपका एक पूरा प्लान बना के रखो, बिना प्लान के पढ़ाई नहीं करो। क्योंकि अगर बिना प्लान के पढ़ाई करोगे ना, सब कुछ ऐसे हौच पौच हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सो हमेशा एक टाइम टेबल और प्लान बनाओ। हमेशा दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और दूसरे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है ना? बनाते सारे हैं, बना कोई भी लेता है, पर फॉलो करो टाइम टेबल को, तभी सिलेक्ट हो पाओगे। अनदर थिंग, और प्रेपरेशन जब करनी है, हार्डवर्क, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा है, आई थिंक मोर देन 5-6 लाख बंदा अपेयर होता है सिविल सर्विसेज UPSC में, और KAS में भी आई थिंक मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं। हार्डवर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन हार्डवर्क किस डायरेक्शन में कर रहे हो वो चीज़ मैटर कर रही है।
सो हार्डवर्क हमेशा राइट डायरेक्शन में करना है। राइट डायरेक्शन में कैसे करना है, रिसर्च करो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या बुक्स पढ़ी, मैंने क्या पढ़ा, चलो वो बता दूंगा मैं, बट अभी यूट्यूब पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, आप कहीं भी जाओ आपको पता होगा कि बुक्स क्या पढ़नी है। बट एक चीज जो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अपना मटेरियल जितना प्रिसाइज हो सके इतना प्रिसाइज रखो, कभी भी ना ऐसे नहीं करना कि मैं सारा कुछ पढ़ ही लूं, क्योंकि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना किसी भी फील्ड में, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है और इसको एग्जाम की तरह देखो, इसको ऐसे नहीं देखो कि ये कोई बहुत बड़ा हुआ है या कुछ है, मुझे हर डोमेन में एक्सपर्ट बनना है। जैसे हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो 10 किताबें पकड़ ली हिस्ट्री की और पढ़ते रहे उसको 1.5 महीना, ऐसा कुछ नहीं करना है। पुराने पेपर देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, बस एग्जाम के लिए, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, सीधा सीधा पढ़ो और पूरा सिलेबस देख के सिलेबस के टू द पॉइंट पढ़ो। और जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, जब मैं बुक्स पढ़ता था तो मैं क्या करता था, बुक्स पढ़ी, एक बार पढ़ी फ्रीली पढ़ ली, सेकंड टाइम पढ़ी थोड़ी अच्छे से समझ आएगी, थर्ड टाइम पढ़ी हाईलाइट कर लिया जो भी मटेरियल है। सो जब 4-5 बार पढ़ लोगे तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था कि नोट्स बना लेता था मैं, हर चीज के नोट्स बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी तैयारी करें, आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो नॉर्मली पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत जैसे नोट्स इन इटसेल्फ, बट मैंने उसके भी नोट्स बना लिए थे। सो अगर आप 3-4 बार पढ़ रहे हो तो उसके बाद हर चीज को ना प्रिसाइज करने की कोशिश करो, हर चीज प्रिसाइज करो, क्योंकि एंड में जब आपने एग्जाम देना है तो मेन साहब ने एक दिन में दो पेपर लिखने हैं, ठीक है ना, जैसे GS Paper 1 GS Paper 2, तो तब आप पूरी पूरी बुकें पढ़ने बैठोगे आपसे नहीं रिवाइज होगा। सो जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो नोट्स बना लो और प्रिसाइज नोट्स बनाओ, इससे क्या होगा आपको एक प्रिसाइज चीज बन जाएगी जो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। मेरी जब प्रेपरेशन कर रहा था, मेरी मेंस के टाइम ऐसी स्टेज आ गई थी कि मैं एक दिन में मैं 2-2 पेपर रिवाइज कर लेता था, मेरा ऑप्शनल हो गया या मेरी GS हो गई। सो कोशिश करो जितनी प्रैक्टिस हो सके इतनी प्रैक्टिस करो और हार्डवर्क करो, लेकिन हार्डवर्क सिर्फ अकेले नहीं करो, हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क नहीं करोगे, अगर आपको जाना है राइट साइड और आप बड़ी तेज भाग रहे हो लेकिन लेफ्ट साइड भाग रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, आप गोल से दूर जाते जा रहे हो। हार्डवर्क करो लेकिन राइट डायरेक्शन में करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो प्रेपरेशन कर रहे थे तो वो दिन में 12 घंटे भी पढ़ लेते थे, सीधे बैठे बैठे 14 घंटे भी पढ़ लेते थे, मैं तो पढ़ता था 5-6 घंटे, लेकिन उनकी एक चीज थी कि बीच में फ्रेंड्स ने बोला चलो जी घूमने चलते हैं तो 2 दिन घूमने चले गए, फिर से आए 12 घंटे पढ़ लिया। आई थिंक उससे बेटर है कि रेगुलर पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, ब्रेक कभी नहीं लो। और ऐसा भी नहीं है ब्रेक नहीं लेने का मतलब कि दुनियादारी छोड़ दो पूरी, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन भी करना है। सो मैं अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, वीकडेज पूरा पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, दिन को रात को जब भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ो, 5-6 घंटे 7 घंटे, अगर कोई 10 घंटे पढ़ सकता है मजे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई 5-6 घंटे भी पढ़ पा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो संडे को थोड़ी ब्रेक ले लो, संडे को लाइट रखो, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो या जो पढ़ा है वो रिवाइज करो और साथ में कुछ मूवी देख लो या कुछ एंटरटेनिंग ऐसा कर लो, उससे क्या होगा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो आपका ऐसे थ्रेशहोल्ड बनता है माइंड का, तो पूरा वीक पढ़ोगे तो वो ऊपर ऐसे लेवल होता है यहां पे आ जाएगा माइंड आपका, तो जब दोबारा पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर आप संडे को ब्रेक ले रहे हो फिर से रिलैक्स हो जाओगे, फिर से अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे आप। सो अगर मैं अपने आइडियाज आपको बताऊं तो मेरा आइडिया यही है जो मंत्र है सिविल सर्विसेज का, हार्डवर्क करो एंड डू हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन, कभी भी ऐसे कुछ नहीं पढ़ो, रिसर्च करके पढ़ो। और आई थिंक अगर आप सब पढ़ रहे हो और हार्डवर्क कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहीं पे खत्म करूंगा, आई होप आप बोर नहीं हो गया, आपको कुछ अच्छा ही मिला होगा सीखने के लिए। शुक्रिया।